जैसे कि हम सब जानते हैं, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर पल हर चीज बदलती रहती है। ध्यान से सुनना मित्रों, कुछ बातें कड़वी भी है लेकिन बिल्कुल सच है। इस दुनिया में आना जाना भी लगा रहता है, ये प्रकृति का नियम है। ठीक वैसे ही हमारे रिश्ते भी अनेक हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा है जो ना बदलता है और ना ही उसका कोई दूसरा नाम है। पति और पत्नी, हस्बैंड वाइफ। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा कि शादी के बाद पति या पत्नी को किसी तीसरे या गैर से प्यार क्यों हो जाता है, या फिर उसके साथ संबंध जोड़ना क्यों चाहते हैं। इसके मेरे हिसाब से चार कारण हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग खुद मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे। और ये बातें हर किसी के लिए नहीं हैं। जिसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, सिर्फ उसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। क्या पता मेरी बातें सही है या गलत, वो आप जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। जब कोई इंसान अकेला हो जाता है तो उसे सहारे की ज़रूरत होती है, और इस दुनिया में पति पत्नी जैसा सहारा कहीं नहीं है। और इन दोनों में से जब कोई अकेलापन महसूस करने लगता है तब कुछ दिन तो सहन कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन, महीने या साल बीत जाते हैं तब उनका दिमाग और दिल दोनों एक तरफ हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, अकेलापन। और ये अकेलापन कैसे पनपता है उसका मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल देके बताऊंगा। क्या होता है ना कि जब नई नई शादी होती है ना, तो बहुत प्यार होता है एक दूसरे के बीच में, और वो प्यार बहुत अच्छे तरह से चल रहा होता है। लेकिन शादी में बहुत सारे पड़ाव भी आते हैं जो हमें स्मूथली पार करने होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि शुरुआत में ही अनबन चालू हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ सम्मान नहीं मिलता ना, वहाँ प्यार नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ टकरार चालू ही रहती है। जहाँ टकरार चालू हो जाती है ना, तो दोनों के दिल में जो विश्वास होता है वो कम होता जाता है, और जैसे ही विश्वास कम होता जाता है तो दोनों में से कोई एक इंसान वह विश्वास दूसरी जगह से पाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को पूछना बंद कर देते हैं, एक दूसरे की केयर करना बंद करते हैं, या फिर समय नहीं दे पाते हैं। तो उसकी वजह से दोनों के मन में अलग अलग विचार पैदा होते हैं, क्योंकि हर इंसान को चाहिए ना कि मुझे भी कोई पूछे, मेरा ध्यान रखे, खाना खाया कि नहीं खाया, क्या कर रहे हो, कब आओगे, कब घूमने जाना है, कब क्या करना है। बहुत से लोग तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं और पति या पत्नी के साथ कम। तो हर किसी को एक मन में इच्छा होती है कि मुझे भी कोई पूछे, मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला हो, मेरा भी कोई ध्यान रखने वाला हो। ये सब पाने के लिए इंसान हमेशा दूसरे रास्ते पे चलना चालू हो जाता है, और फिर किसी ने थोड़ा सा भी भाव दिया तो वह आकर्षित होने लगते हैं, और धीरे धीरे उससे बातें बढ़ेगी, मिलना होगा, वह सब कुछ होगा जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। फिर जब चोरी पकड़ी जाती है ना, तो उसे धोखे का नाम दिया जाता है,
ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ऐसा होने का कारण क्या है। और एक सच ये भी है कि चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जरूर जाती है, उसके बाद क्या, दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की ज़िंदगी बर्बाद। एक औरत क्या चाहती है, प्यार, इज्जत और समय। हम वो ही उन्हें नहीं देंगे तो वह दूसरी जगह से प्राप्त करने का प्रयास करेगी या फिर करेगा। तो जितना हो सके एक दूसरे को समय दे। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अकेली है या अकेला है। दूसरा है समझौता। समझौते से की गई शादी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है। बहुत जगह ऐसा होता है कि पति को पत्नी पसंद नहीं होती है और पत्नी को पति, किसी के घर वालों को लड़का पसंद नहीं होता है तो किसी को लड़की, कोई समाज के डर से शादी कर लेता है तो कोई अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। ऐसी सिचुएशन में जो शादी हुई है उसे हम समझौता ही कह सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में पति और पत्नी में सिर्फ रिश्ता होता है, प्यार नहीं। और जहाँ प्यार नहीं वहाँ दूसरी जगह से प्यार पाने की कोशिश रहती है। इसलिए समझौता ना करें, क्योंकि वहाँ पर दो जिंदगियाँ खराब होती है, ना चैन मिलता है ना सुकून। तीसरा पॉइंट है हवस, जिसको हम हैबिट्स या आदत बोलते हैं। बहुत लोगों की आदत बन चुकी होती है जो जल्दी जाती नहीं। ऐसे में पुरुष और महिला तीसरे से प्यार या अपनी जरूरत पूरी करते हैं। और चौथा है इज्जत। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ प्यार नहीं, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ सिर्फ रिश्ते का नाम ही रहता है और मन कहीं और लगा हुआ होता है या फिर कोशिश जारी रहती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम्स अक्सर आती रहती हैं, तो उसे कैसे निपटना है वो आपको स्वयं को तय करना होगा। दूसरी बात ऐसा है कि जब हम जितना शक करते हैं ना, उतनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती रहती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ कुछ ऐसा कर रही है या करने वाली है, तो आपको पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए। और अगर आप उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं ज़िंदगी भर, तो उसे आप ऐसा महसूस कराएं कि वो अकेली नहीं है या फिर अकेला नहीं है। हर पल हर वक्त उनके साथ रहे, उनकी केयर करना सीखे, उनके साथ प्यार जताए, अच्छी अच्छी बातें करें, घूमने जाए, घुमाने ले जाए, और उनको एक ऐसा भरोसा दिलाए कि उसके लिए सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। उनको एक ऐसा भी विश्वास दिलाए कि जो भी दूसरा तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा वो टाइम पास ही करेगा, प्यार नहीं करेगा। ऐसा कुछ करने से उनकी लाइफ में बदलाव जरूर आएगा और शायद आपका रिश्ता टूटने से बच जाए। इसलिए शक के आधार पर ही खाली आपको गैस नहीं करना है कि क्या ऐसा हुआ है या हो सकता है। आपको प्यार करते रहना चाहिए और प्यार जताते रहना चाहिए, जिससे ऐसी प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। टाइम दे, सोचने का भी वक्त ले, एकदम हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला ना ले। क्या पता आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि बहुत बार गलतियां नहीं गलत फहमियाँ भी रिश्तों को मार दे देती हैं, उसके बाद सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए पछतावे से ज़्यादा प्रयास के बारे में सोचें कि हम क्या करेंगे तो हमारा रिश्ता अच्छे से चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बातें पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।